अभी बारिश बंद होके अब आ गई है धूप, और ब्रादर साहब भी यहाँ पे सामान देके अब जाने लग गए हैं नीचे को। हेलो नमस्ते पहला गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है एक और नए सोच के साथ। और आज ठंडा हो रहा हल्का सा, क्योंकि कल शाम को बारिश लग गई और अभी भी हल्की फुल्की लगी रही है और चारों तरफ आज कोहरा लगा हुआ है, सारा कोहरा कोहरा हो रखा है। और उम्मीद है कि दिन में तक साफ हो जाएगा मौसम, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। नीचे गांव का माहौल काफी सुंदर हो रहा है, काफी खूबसूरत व्यू आ रहा है गांव का। और बारिश के बाद ना क्लैरिटी और अच्छी आने लगती है, और रॉकी भी यहीं पे है, उछल कूद मजा आ रहा है। और मम्मी लोग नाश्ता कर रहे हैं किचन में, और गुनली यहाँ से देख रही। हेलो हेलो, यहाँ से देख रहे हैं, बाकी सब किचन में है, अंदर आग जली हुई है। और मेरा भी नाश्ता हो गया है, तो मैं भी लगता हूँ भाई अपने दिहाड़ी मजदूरी में, रोजगार में। तो चलते हैं अपनी दुकान की तरफ को, और रोकी भी आने की सोच रहा है पीछे पीछे, पर लेकिन नहीं आने देंगे। अभी भी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी कंटिन्यू है, तो हो सकता है क्या पता दिन भर आज बारिश का मौसम भी रह सकता है। कोहरा लगा हुआ है ना, ये टॉप पे हल्की हल्की बर्फबारी तो होगी होगी, और क्योंकि यहाँ बारिश लगती है और वहाँ बर्मियाव बोलते हैं जो बर्फ की तरह होता है, और उसके बाद बर्फ पड़ती है, तो बर्मियाव पड़ता है वहाँ बारिश नहीं लगती ऊपर साइड सफेद सफेद। तो कोहरा बड़ा खतरनाक गजब का लगा हुआ है, और ये सीजन ना एक दिन बारिश हो रही और एक दिन फिर उसके बाद धूप लग जा रही, लग कोई भरोसा ही नहीं है। आज धूप लगी है तो कल बारिश हो भी सकती है, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है और दिन में तक फिर धूप भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है, प्रकृति है, नेचर है। तो अभी हम भी अपनी गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं नीपर को। अभी मैं भी पहुंच गया हूँ दुकान में, और बारिश भी काफ़ी तेज हो गई है, और आज सब भीग गया पूरा है, पूरा भीग गया बाहर बाहर से पूरा, इतनी तेज की बारिश हो रही, इतना बाइक में वैसे भी ज़्यादा ही लगती है। तो अभी खोलते हैं अभी दुकान, जो भी काम है उनको करते हैं। आज बारिश कंटिन्यू हो गई है, कल हल्की हल्की धूप लगी थी, आज पूरी बारिश है, और ऊपर को पूरा कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ पे अन्ना भाई और पुष्की भाई मेरे को बता रहे हैं कि मैं वो डाल रहा हूँ ना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना नहीं आता मेरे को इंस्टा चलाना नहीं आता, तो ये बता रहे हैं मेरे को, तो सीखते हैं इनसे अब इंस्टाग्राम चलाना। यार इंस्टाग्राम में भी होना ज़रूरी है, आज मेरे को लग रहा है इतना लेट जो चल रहा है ना सब्सक्राइबर कम होने की वजह, वो एक इंस्टाग्राम भी हो सकता है, आप लोग ज़रूर देखना इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। और दुकान का माहौल भी कुछ ऐसा है, सुनसानी हो रही है, लोग अपने अपने घरों में आग सेकने में बीजी, धुआं आ रहे, ठंड भी लगी रही है, तो हो सकता है कल और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, आज बारिश हो रही है ना, आज कम लगेगी, क्यों ना भाई कल बढ़ेगी ठंड। आज भी दोस्तों लाइट नहीं है, और जब बारिश लग जाती है तो पता नहीं क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम आता है। कल शाम से बारिश लगी है, तो कल रात 8 बजे चलेगी थी और अभी 11 बजने वाले हैं, और पूरा 14-15 घंटे लाइट है ही नहीं, और बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, जब मतलब हवा बारिश जब बारिश होती है तो फिर लाइट ही काट देते हैं, नहीं पता, और सही भी नहीं करते, ये सीन है हमारे वहाँ का। अभी बारिश बंद होके अब आ गई है धूप, और ब्रादर साहब भी यहाँ पे सामान देके अब जाने लग गए हैं नीचे को, अपने गांव की ओर, अपने गांव की ओर, हर्षिला की ओर, और ऊपर को हल्का हल्का मौसम खुल रहा है ब्रादर साहब, अब मौसम खुलेगा, कल बारिश होगी नहीं होगी, नहीं होगी कल बारिश नहीं होगी, ब्रादर साहब बोल रहे हैं, तो ऐसा है मामला, हमने भी सामान उतार दिया है, अब धूप से गर्मी लगने लगी ना, स्ट्रिंग उतार रखा है, स्ट्रिंग उतार रखा है, तभी तो स्ट्रिंग पियेंगे और धूप में गर्मी भगाएंगे। सर सर आए हैं, अब जा रहे हैं सर जी सामान वामान देके, धूप आएगी तो सब निकल गए हैं बाहर, और बिना मुन्ना सेठ और भोरियाल, भोरियाल अभी चोरी करके आया है ना इसलिए मुंह छुपा रहा है, खाली बोलने में ये मेरा दम है तो वीडियो में गंदा लगता है इसलिए,
गंदा लगता है तेरे को। मौसम बाहर खुल गया है तो सब घरों से बाहर आ गए हम। हाँ पार्क को भी ऐसा हो रहा है और कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर काफी खूबसूरत मौसम हो गया है अब। तो पवन अंकल अभी दुकान में ही हैं और मेरे को बोला कि माँ साबू को ले आ दो। तो पवन अंकल की गाड़ी यहाँ पे है तो टीचर्स लोग आ रहे हैं अभी वहीं पे हैं। छुट्टी होगी है स्कूल की अभी तो यहाँ से सामने दिखाई दे रहे हैं टीचर्स लोग और स्कूल के बच्चे भी अब जाने लग गए हैं घर को। और यहाँ टॉप से कुछ इस तरीके से दिखता है नीचे गांव का व्यू। ओ नीचे तक यहाँ तक ही जियो के नेटवर्क आते हैं जो नीचे पहाड़ी लग रही है बीच में खड़ी वाली, इससे नीचे नहीं आते हैं क्योंकि जियो का टावर जो है इस घेरे में इधर को है। कुछ ऐसा दिखता है और कोहरा लगा हुआ है ऊपर को। मौसम भी अभी ऐसे ही हो रहा और हल्की हल्की ठंड लग रही है अभी। और गुरुजी लोग भी आने लग गए हैं अब यहाँ पे, तैयारी हो गई है जल्दी से आके फिर गाड़ी में बैठाते हैं फिर चलते हैं नीचे को। यहाँ से फिर बागेश्वर को पवन अंकल लेके जाएंगे। अब यहाँ से आगे है पवन अंकल की बारी। चलो सर बाय। ये भी अभी दोस्तों 5 बजने वाले हैं और अभी तक भी लाइट नहीं आई है और करीब अब कितने घंटे हो गए सुबह, कल शाम 8 बजे से गई हुई है अभी और अभी 5 बजने वाले हैं और इतने देर यहाँ पे लाइट गुल रहती है इतना देर और अभी भी नहीं पता है कि कब तक आएगी कुछ पता नहीं है। जैसे भला हल्की सी बारिश की बूंदें गिरती है ना लाइट भाग जाती है। और यहाँ नीचे लगे हैं हाइडल पे बात करने में। ये बिजली के बारे में बातें चल रही है अभी यहाँ पे। बड़े गुस्से में है रमेश राम जी। और ये मस्ती करने में उसको छेड़ रहे हैं। ये दादाजी बने हैं ना तब इसको मिठाई मांग रहे हैं, मतलब मिठाई मतलब मीठा कुछ भी गुड़ उड़। आज तो दोस्तों शाम हो गई है अभी तक लाइट भी नहीं आई है पूरा अंधेरा हो रहा है और ये चल रहा है मेरा दूसरा फ्लैश जिसकी वजह से हल्का सा उजाला हो रहा है और फोन में भी बैटरी इतनी नहीं है कि फोन का फ्लैश जला सकूं मैं। तो अभी एक हाथ से फ्लैश पकड़ के एक हाथ से वीडियो बता रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं क्योंकि लाइट आएगी नहीं फोन में बैटरी बचेगी नहीं तब तक, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और एक बारिश नुमा दिन की समाप्ति भी होगी है तो अभी चल रहा हूँ घर को। तो कुछ इस तरीके से था आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।